नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर। सबसे पहले 2021 में सबसे पहला कॉटन कॉम्प्लेक्स पे एक वेबिनार आने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉटन कॉम्प्लेक्स में रुचि रखते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या नीचे दिए हुए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा। कल के सेशन की बात करें तो एग्रीडेस में हमने 1.25% की गिरावट आती हुई देखी, जिसका मतलब है पूरे ही एग्रीपैक में गिरावट का रुख था। तो कल अगर हम बात करें तो पूरे ही कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी गिरावट थी, जहां हमने सोयाबीन में 2% के करीब की, हल्दी में 1.5%, चने में 3%, कॉटन सीड ऑयल केक में 3.5%, गवार कॉम्प्लेक्स में भी 2-3% की गिरावट थी, कपास में 2.5% की गिरावट थी। तो ओवरऑल पूरे ही काउंटर में हमने देखा एक हम बोल सकते हैं एक सेल ऑफ होता है कभी भी, जैसे इक्विटी में एक सेल ऑफ देखा, उसके चलते चलते हमने कमोडिटी में सोने चांदी में बेस मेटल में सेल ऑफ देखा, तो यहाँ पे भी उसका एक असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में बाकी क्रॉप्स है, जीजन से रबी हमने जो नई सोइंग हुई है उसके चलते भी हमने एक सेंटिमेंट नेगेटिव होते हुए देखा। ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी इंटरनेशनल में थोड़ा सा दबाव था, पहला दिन था जिसकी वजह से था। बट आज की बात करें तो आज हमें लगता है प्राइजेस ने बॉटम कल दिखा चुका है। आज सारे ही एग्री पैक में हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। सबसे पहले सोयाबीन है, 43.50 का रेंज काफी अच्छा है, यहाँ से लेके चलिए 44.20 का लेवल, तो डे पे 44.80 तक का लेवल हम सोयाबीन में देख पाएंगे। रिफाइंड सोया ऑयल 1110 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 1126 का लेवल तोड़कर 1135 तक दिखा देगा। मस्टर्ड हमने ऑलरेडी बड़ा फॉल देख चुके हैं, बाइंग करके चलिए। हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो 5650 से लेके 5800 तक का लेवल दिखा सकता है। कैस्टर मार्केट आज रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, लेट्स सी। अगर प्राइसेस 43.50 के ऊपर निकल जाता है तो 44.50 के टारगेट के ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर बिल्कुल कैस्टर को लेके चलिए, 5000 के ऊपर का टारगेट जल्द आने वाला है। बिल्कुल 4100 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग रहेगा। मसालों में आज कोई ज्यादा बड़ी तेजी मंदी नहीं रहेगी, बट फिर भी अगर हम धनी की बात करें, मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 5800 के नीचे प्राइसेस सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पा रहे, ना ही जीरा 12800 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। आज रिकवरी रहेगी बट वॉल्यूम थोड़े कम रहेंगे। चेन्नई में कल की भारी बिकवाली के बाद आज मार्केट संभलने की कोशिश करेगा, बट ध्यान रखिए अभी भी फंडामेंटल मजबूत नहीं है, गिरावट भरा दिन रह सकता है, दिन में तेजी रह सकती है, जो 4600 तक का लेवल दिखाकर फिर प्राइजेस में फिर से गिरावट आ जाएगी, बड़ी बाइंग पोजिशन नहीं करनी है। कॉटन सीड ऑयल केक में आज तेजी का रुख रहेगा, बट 1990 का लेवल रिगेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के आउटलुक के लिए, बाकी ध्यान आज इंट्राडे में तेजी का रहेगा। गवार कॉम्प्लेक्स में मैं कोई बड़ी तेजी तो नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ 4000 से लेकर 3800 का रेंज रहेगा गवार सीड में, 6200 से लेकर 5800 का रेंज रहेगा गवार गम में। कपास में आज तेजी का रुख रहेगा, 1200 के टारगेट के लेके चलना चाहिए। वही सीपीओ में 930 के स्टॉपलो से आप लेके चलेंगे तो 945 से 956 तक का लेवल हम सीपीओ में देख पाएंगे। कॉटन 20000 पे काफी स्ट्रांग लग रहा है, कॉटन में बाइंग करके चलिए। इंटरनेशनल में 75 सेंट का लेवल रिगेन कर गया कल की भारी गिरावट के बाद, मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से सीआई ने भी कहा है कि डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है 10% के क्रॉप ये एक्सपोर्ट के एस्टिमेट्स में, थोड़ा बहुत तो नेगेटिव था बट ओवरऑल क्रॉप साइज भी कम होने की वजह से सपोर्ट मिलेगा। चार्टिकली अगर हम देखें तो एग्रीडेस 1140 के सपोर्ट पे है, अगर इसके नीचे जाता है तो बिकवाली है, बट उसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। वही गवार में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनने की उम्मीद है, अगर ये पैटर्न सक्सेस हो जाता है तो हम एक बड़ी तेजी के लिए तैयार रहेंगे। टेक्निकली फंडामेंटली अभी तक कोई बड़े सपोर्टिव न्यूज नहीं है, जिस ढंग से यूरोप में यूएस में लॉकडाउन है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है, बट आप देख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसमें मिला हुआ है। तो जब तक प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक बिल्कुल अच्छी तेजी की गुंजाइश रख सकते हैं। 200 का लेवल तोड़ता है, 200 मूविंग डे का लेवल तोड़ता है तो सीधा 3600 का ही सपोर्ट है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा संभल के काम करना है गवार में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।